सो हे गाइज, वेलकम टू माई अदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया, और बढ़िया रहना भी चाहिए। बट गाइज, आज मैं ठीक नहीं हूँ, और इसलिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में। मेरे को डर भी लगता है हॉस्पिटल से, बट आज कल भी मैं सोच रही थी जाऊँ, बट मैं कल नहीं गई, तो आज मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। और आज चलते हैं फिर, क्या और तो क्या, और कोई मेरे साथ जा नहीं रहा है, क्योंकि मम्मी खेत में गई है कपास बुआने जो बीज होता है ना वो, और भाई जा रहा है दुकान पे, और कोई है नहीं, बट मैं अकेली ही जा रही हूँ। ज़्यादा देखेंगे दिक्कत होगी तो घर वालों को बुला लेंगे, अदरवाइज अपा तो हैं ही पहलवान। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल के बाहर। वो रही अपनी हॉस्पिटल। अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरे को अकेली को डर लगता है, इसलिए मैंने किसी को बुलाया है कि कोई साथ चल पड़े। और आप सोच रहे हो भली चंगी दिख रही है, कहाँ से बीमार है ना, बट मैं बता देती हूँ, दो दिन से मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा कमजोरी आ गई है मेरे अंदर। मैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को, और वो आ जाते हैं तब तक उसका वेट कर लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। सो गाइस, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मेरी हालत ऐसी है नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ी रह सकूँ, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के अंदर। सारे लोग मेरे को डरा रहे थे कि अब तेरे को सुई लगेगी, सुई लगेगी, और मेरे को सच्ची में बहुत डर लग रहा था, और मैं बार बार सुई की तरफ देख रही थी, और मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ मैम दर्द मत करना। उन्होंने बोला सुई लगेगी तो दर्द तो होएगा ही, लेकिन फिर भी मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आप मेरे फेस देख सकते हैं कैसा बन रहा है, ये बुखार से ज़्यादा सुई को देख के मेरे को ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे को टपकाने की पूरी तैयारी चल रही थी, आई में मेरे को सुई लगाने की पूरी तैयारी चल रही थी, और मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डर के बैठी थी। और जो मेरे साथ आई थी ना मेरी फ्रेंड, भी मेरे पूरे मज़े ले रही थी कि अब तो तेरे को सुई लगेगी, सुई लगेगी। मैंने कहा तू बकवास मत करो, और मैं खुश भी हो रही थी, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं मतलब इनको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अरे यार, मेरे को सच्ची में डर लगता है सुई से। और मैं उसको बार बार कह रही तू वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि यार सुई का कोई भी रिएक्शन आए। बट उन्होंने देखना, आप खुद ही देखना कि क्या होएगा। गाइज, इनको मेरे हाथ में नस नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने इस हाथ से सुई निकाल के दूसरे हाथ में लगाने की प्लानिंग की। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और फिर मुझे पता चला कि दूसरे हाथ में भी लगाएंगे, तो मेरे फेस का रिएक्शन ये था। बकरे को हलाल करके लिटा दिया गया था, और मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि यार मेरे के दोनों हाथों को बींद दिया था, यानी कि दोनों हाथों में उन्होंने सुई लगा दी थी। सो गई जी, मेरा बेरा खतरा है। दिख रहे हो, और तू, और ये मेरी फ्रेंड है। सो गई जी, मेरे घर में कोई आए ना आए ये जरूर आ जाता है। बनना रही मेरा भाई साहब, इतने भयंकर तरीके से इंजेक्शन लगाए हैं ना, मेरे नस नहीं मिले मेरे पूरे हाथ में। वैसे मेरी मम्मी कहती रहती है कि मेरे दोनों हाथों पे नसे नसे हैं, और आज जब सुई लगाने का टाइम आया तो कोई नस नहीं मिली। मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती हूँ इस हाथ से, नस नहीं मिली उनको। अभी मैं वेट कर रही हूँ हॉस्पिटल का खाना आएगा, कैसा खाना मिलता है वो मैं आपको दिखाऊँगी।
सुबह ये है अपना हॉस्पिटल का खाना, पतली पतली रोटियाँ। टेस्ट करके मैं बताती हूँ कैसा है कैसा नहीं। ठीक ठीक से ज़्यादा ख़राब नहीं है, बाकी अच्छा है। सो ही गाइज, फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर। 5 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है पहले से। अब मेरा, मैं गई तब तो हंसती हुई गई थी, अभी आप देख रहे हो कैसा फेस हो रखा है मेरा। तो मतलब मेरी जो रिपोर्ट आई है उसमें वो है मतलब इन्फेक्शन फैल रखा है मेरे लीवर में। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा ही है, कुछ उल्टा सुलटा मैंने खा लिया था तो उस वजह से फैल गया था, इस वजह से मेरे को चक्कर आ रहे थे। और बाकी मैं ठीक हूँ। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरी जो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी हॉस्पिटल की, तो बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट करे हैं कि गेट विल सून। तो थैंक यू सो मच, ये तो पता चल गया, चलो मुझे भी लोग प्यार करते हैं। और गाइज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट फुल रखो। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या करें क्या नहीं करें। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ, मतलब मेरे को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है कर दो, बस दिल से करो, ताकि मैं अभी, मेरे को थोड़ा हौसला मिले कि भाई चलो। तो थैंक यू सो मच गाइज़।